So today we will learn use of we, are, they and there. Let's start. So today we will learn use of we, are, they and there. Unit 12. US use, OF of, WEV, OUR are, THEY they and THEIR there. Use of we, are, they and there. तो we, are, they और there का मतलब क्या होता है? देखो, first of all, जो we है वो किसके लिए use होता है? R के लिए. R मतलब अपना, हमारा. R मतलब अपना. O, you are our is the, 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 BELONGING, belonging, word, 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 OF of, WEV. R क्या है? Belonging word किसके लिए है? V के लिए. जो चीज हमारी है, V मतलब पता है क्या होता है आपको? V मतलब जिसमें हम और हमारे साथ और भी लोग हो. हमने लर्न किया था ना, पहले हमने पढ़ा हुआ है ना, वी मतलब क्या होता है. आई, वी, यू में हमने सीखा था वी मतलब हम सब. तो हम सब की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं आर. क्या यूज़ करते हैं हम? आर. ओके, नाउ यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. क्या यहाँ पे आपको दो पायलट सीख रहे हैं आपको? ओके, ना ये वाला जो पायलट है ना वो हाई कर रहा है. दैट मीन्स के ये वाला जो पायलट है वो कुछ बोल रहा है. क्या बोल रहा है? लेट अस सी. डब्ल्यू ई वी ए आर ई आर पी आई एल ओ टी एस पायलट्स, वी आर पायलट्स. ये ऐसे बोल रहा है कि हम दोनों कौन है? पायलट्स हैं. कौन है हम? पायलट्स. वी आर पायलट्स. टी एच आई एस दिस इज R, O U R, R, A E R O, P L A N E, aeroplane, A E R O, aero, P L A N E, plane, aeroplane. This is R, aeroplane. This is R, aeroplane. We are pilots and this is R, aeroplane. ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम pilots हैं और ये हमारा plane है. Okay? हम pilots हैं तो ये हमारा plane है. Got it? Now next example देखो. W E V A R E R S T U D E N T S students. We are students. हम students हैं. We मतलब हम. Okay? हम students हैं. T H E S E these A R E R O U R R B W O K S books. These are our books. ये हमारी बुक्स हैं. अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं ना, तो हमने दीज यूज़ किया है. यहाँ पे एक एरोप्लेन था तो दिस यूज़ किया है. दीज और दिस का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? दिस दैट दिस दोस. एक एरोप्लेन था तो क्या यूज़ किया यहाँ पे? दिस. और यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं तो क्या यूज़ किया? दीज. ठीक है, चलो. वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं. एंड दीज आर आर बुक्स, और ये हमारी बुक्स हैं. गॉट इट? मतलब जहाँ पर वी आएगा वहाँ पर क्या आएगा? आर. ओके, ना नेक्स्ट क्या है? धैर. टी एच ई आई आर धैर इज द बी ई एल ओ एन जी आई एन जी बिलोंगिंग वर्ड डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड ऑफ धे. टी एच ई वाई धे. धे भी सीखा है हमने. धे मतलब वो लोग जिसमें हम नहीं होते हैं. ओके, जैसे कोई एक ग्रुप खड़ा हुआ है और हम उन्हें डिनोट कर रहे हैं कि देखो ये लोग हैं, तो वो बोलेंगे धे. क्या बोलेंगे? धे. ठीक है, तो जहाँ पर भी धे आएगा उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? धैर. मतलब उनकी बिलोंगिंग्स के लिए. जैसे यहाँ पर वी के लिए आर था, वैसे धे के लिए धैर. धे के लिए क्या होता है यहाँ पर? धैर होता है. ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखते हैं. टी एच ई वाई धे. A R E R P L A Y E R S players. ठीक है, they are players. ये लोग players हैं. They are players. ये लोग players हैं. यहाँ पर हम नहीं हैं. ओके, यहाँ पे हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे दूसरों की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो they are players. ये लोग players हैं.
टीए चाहिए, दिस इज धैर बैट, टीए जी आई आर धैर, ये उनका बैट है, ठीक है। आर मतलब होता है हमारा और धैर मतलब होता है उनका, ठीक है, जहां पर हम नहीं होते पर दूसरे लोग होते हैं। तो दे आर प्लेयर्स, ये लोग प्लेयर्स हैं, एंड दिस इज देयर बैट, और ये उनका बैट है, गॉट इट। नाउ सेकंड देखो, टी एच ई वाई धे, ए आर ई आर सी ओ यू एस आई एन एस कजिन्स, दे आर कजिन्स, ये लोग कौन है, कजिन्स, कजिन्स मतलब जो भाई बहन होते हैं ना अंकल और आंट के, वो लोग, ओके। सो दे आर कजिन्स, टी एच आई ए देस इज, टी एच ई आई आर धैर, टी एच ई आई आर धैर, बी आई सी वाई सी एल ई बाईसाइकिल, ओके, ये क्या है, दिस इज देयर बाइसिकल, दे आर कजिन्स एंड दिस इज देयर बाइसिकल, ये कजिन्स है और ये उनकी बाइसिकल है, गॉट इट। वी हो मतलब हमारी बात कर रहे हैं, तो आर आएगा मतलब हमारा, धे सामने वाले की बात करें जहां पर हम नहीं हैं, ओके, तो क्या आएगा, धैर मतलब उनका, ओके। नाउ वी विल डू इट्स एक्सरसाइज, ई एक्स ई आर सी आई एस ई एक्सरसाइज, ओके। नाउ व्हाट इज द एक्सरसाइज, एफ आई डबल एल फिल आई एन ए टी एच ई ध बी एल ए एन के एस ब्लैंक्स W I T H with W E V O U R R T H E Y धे T H E I R धैर fill in the blanks with V R धे धैर, क्या करना है आपको, you have to fill this blanks with V R धे or धैर, okay, now let us see, I am A N U अनु, I am अनु मतलब हमारी बात है, यहाँ पे मैं अनु हूँ, okay। You are Tanu, Y O U, you are Tanu, और देखो जैसे मान लो ये गर्ल है, ये बोल रही है कि I am Anu और आप Tanu हो, ओके, तो दो लोग आए यहाँ पर, आपको पता है दो लोगों के लिए क्या यूज करते थे हम, We, ये लोग क्या बोल रहे हैं, We are friends, हम क्या हैं, friends हैं, मैं अनु हूँ, आप तनु हो और हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है। देखो आर और धैर कब आएगा, जब किसी चीज़ की बात करें, ठीक है, जैसे हैट बैट या कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, किसी की चीज़ वो है, तब हम आर या धैर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एच ई ही इज आर ए एच यू एल राहुल, ही इज राहुल, ही इज आर ओ एच एन रोहन, ही इज रोहन, वो राहुल है वो रोहन है, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी हम आए, आई यूज किया हमने, नो मतलब यहाँ पे हम दूसरों की बात कर रहे हैं। तो डैश ए आर ई आर जी ओ आई एन जी गोइंग टू सी एस सी एस डबल ओ एल स्कूल, डैश आर गोइंग स्कूल, राहुल और रोहन कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, धे वो लोग स्कूल जा रहे हैं, ओके। यहाँ पे अगर आई आता कि आई एम राहुल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, मतलब हम हमारी बात करें, बट यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर दोनों जगह पे क्या है, ही, मतलब हम दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे, धे, दे आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, ही इज सैम एस ए एम सैम एंड ही इज पैम पी ए एम पैम, वो सैम है और वो पैम है, डी एच ई एस ई धीज ए आर ई आर डैश टॉयज, देखो यहाँ पे किसी चीज की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर अवर या धैर में से कुछ आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे ही और यहाँ पर भी ही, यहाँ कहीं पर भी आई तो आया ही नहीं या वी नहीं आया, मतलब हम दूसरों की बात कर रहे हैं कि वो सैम है और वो पैम है, तो ये सारे टॉयज उनके हैं, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम, धैर, दीज आर धैर टॉयज, ये उनके टॉयज हैं। आई एम पी ई टी ई आर पीटर, आई एम पीटर, दिस बॉय सेइंग दैट ही इज पीटर, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, आई एम पीटर, वाई ओ यू यू
Mary, मैरी, यू आर मैरी। यहाँ पे हम भी आए ना, मैं पीटर हूँ, आप मैरी हो, हमारी बात आई तो हमारे हमारी चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, आर सेंटेंस पढ़ते हैं, THESE, दीज, ARER, डैश, बुक्स, BOOKS, बुक्स, तो दीज आर आर बुक्स। मैं पीटर हूँ, वो आप मैरी हो और ये हमारी बुक्स हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम, आर, OUR, आर। नेक्स्ट, ILISA, लीजा, ILISA, ALICE, एलिस, ILISA, ILISA। दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं, मैं लीसा हूँ, मैं एलिस हूँ। डैश हेयर इज लॉन्ग, यहाँ पे चीज़ की बात हुई ना, किसी की बिलोंगिंग की बात हुई, तो हेयर इज लॉन्ग, तो आर हेयर इज लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, HE, ही इज JACK, जैक, एंड ही इज EDWIN, एडविन, ही इज जैक, ही इज एडविन, वो जैक है, वो एडविन है। ठीक है, तो हमारा तो कुछ रोल नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, डैश आर PLAYING, प्लेइंग, FOOT, फुट, BALL, बॉल, डैश आर प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, धे आर प्लेइंग फुटबॉल, गॉट इट, ही इज जैक, ही इज एडविन एंड दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दिस इज आर वर्कशीट, यूज ऑफ वी आर, दे एंड देयर, वी ऑलरेडी हैव सीन वेयर वी यूज आर एंड वी, देयर एंड देयर एंड दे। ओके, आवर इज द बिलोंगिंग वर्ड ऑफ वी एंड देयर इज द बिलोंगिंग वर्ड ऑफ दे। ओके, नाउ लेट अस सी इट्स एक्सरसाइज, हियर वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स विद वी आर दे देयर। नाउ फर्स्ट, ही इज टॉम, TOM, Tom, he is Edwin, EDWIN, win, Edwin, he is Tom, he is Edwin, he is Tom and he is Edwin, ये Tom है और ये Edwin है, यहाँ पे हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम दूसरे पर्सन की बात कर रहे हैं। ओके, डैश आर ARER, PLAYING, playing, CHESS, chess, डैश आर playing chess, वो लोग चेस खेल रहे हैं, तो वो लोगों के लिए क्या होता है, दे आर प्लेइंग चेस, ही इज टॉम, ही इज एडविन, दे आर प्लेइंग चेस। नेक्स्ट, IMPETER, पीटर, YOU, ARER, MARY, मैरी, यू आर मैरी। सेकेंड क्वेश्चन इज IMPETER, पीटर, IMPETER, YOUARER, MARY, मैरी, यू आर मैरी, IMPETER, यू आर मैरी। आई आया यहाँ पर, यहाँ हम हमारी बात कर रहे हैं, आई मतलब हमारा, ठीक है, तो धीज, धीज, ARER, डैश, PENS, पेंस, दीज आर डैश पेंस, यहाँ पे बिलोंगिंग की बात की गई है, बिलोंगिंग मतलब कोई चीज़ जो उनको बिलोंग करती हो। ओके, तो दीज आर, आई आया है मतलब हमारा, मैं पीटर हूँ, ये मैरी है, ठीक है, ये हमारी पेन है, तो हमारी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर, दीज आर आर पेन्स, आई एम पीटर, यू आर मैरी, दीज आर आर पेन्स। नाउ HE, ही इज राहुल, RAHUL, राहुल, and he is RAJAT, रजत, he is राहुल, he is रजत, यहाँ पे कहीं भी हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो राहुल है, वो रजत है, डैश आर गोइंग टू स्कूल, तो वो लोग स्कूल जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, IMRIYU, रियू, एंड IMPIHU, पीहू, आई एम रियू एंड आई एम पी यू, ये दोनों क्या बोल रहे हैं, मैं रियू हूँ और मैं पी यू हूँ, तो डैश हेयर इज लॉन्ग, तो आर हेयर इज
लॉन्ग, हमारे बाल लंबे हैं। आई एम के ए वी आई टी ए कविता, वाई ओ यू यू ए आर ई आर पी आर टी एच पार्थ। आई एम कविता, यू आर पार्थ, मैं कविता हूँ, आप पार्थ हो। तो हम हमारी बात कर रहे हैं, तो दीज आर डैश शूज, तो ये हमारे शूज हैं, तो आर, दीज आर आर शूज। नेक्स्ट, ही इज राम, आर ए एम राम, एंड ही इज सोनू, एस ओ एन यू सो नू, ही इज राम, ही इज सोनू। दीज आर टी एच ई एस ई दीज, ए आर ई आर डैश टॉयज, टी ओ आई एस टॉयज। ये राम है, ये सोनू है, और ये उनके टॉयज हैं, देयर टॉयज। नेक्स्ट, आई एम टी एन यू तनु, यू आर अनु, आई एम तनु, यू आर अनु, मैं तनु हूँ, आप अनु हो। तो यहाँ पे मैं आई आया, तो हमारी बात कर रहे हैं आप, तो डैश आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, क्या आएगा, वी आर फ्रेंड्स। ओके, नाउ ही इज आर ए के ई एस एच राकेश, ही इज राकेश, एंड ही इज एल ए एक्स एम ए एन लक्ष्मण, ही इज राकेश, ही इज लक्ष्मण, हम सामने वाले पर्सन की बात कर रहे हैं। डैश आर गोइंग टू मॉल, तो दे आर गोइंग टू मॉल, ए आर ई आर जी ओ आई एन जी गोइंग टू एम ए डबल एल मॉल, दे आर गोइंग टू मॉल। आई एम श्रेया, एस एच आर ई वाई श्रेया, आई एम पूजा, पी डब्ल्यू जे ए पूजा, आई एम श्रेया, आई एम पूजा, हमारी बात कर रहे हैं, तो आर, आर ड्रेस इज सेम, बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, तो आर, आर ड्रेस, आर ड्रेसेस आर सेम। आई एम रीना, आर आई एन ए रीना, आई एम रीना, आई एम सागर, दीज आर डैश कार, आई आई आया मतलब हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो आर, दिस इज आर कार्स। आई एम शीतल, आई एम शीतल, यू आर पार्थ, यू आर पार्थ, दीज आर डैश बैग्स, दीज आर बैग्स, क्योंकि यहाँ पर आई आया। ओके, नाउ दिस फोर क्वेश्चंस आर योर होमवर्क।